नवोदय ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय क्रांति ऑनलाइन क्लासेस घर से पढ़ाई। आई एम रशिमा एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन इंग्लिश लेसन्स फॉर क्लास 10th, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। In this video, we are going to do the comprehension stanzas from the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. So let's begin. First comprehension stanza. I'm reading this stanza first. Some say the word will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Let's read out the questions. First question. Name the poem and poet of these lines. In lines ke poet or poem ka naam batae. And the answer is, the name of the poem is Fire and Ice. The name of the poet is Robert Frost. Is poem ka naam hai Fire and Ice, और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What does fire and ice symbolize in the poem? पोएम में fire and ice किसको symbolize करती है, किसे दर्शाती है? And the answer is, fire symbolizes desire and ice symbolizes hatred. Fire डिजायर को सिंबलाइज करती है, डिजायर मीन्स इच्छाएं, एंड आइस सिंबलाइज करती है हेट्रेड, हेट्रेड यानी नफरत, इंसान की इंसान के प्रति नफरत। क्वेश्चन 3, विच टू थिंग्स विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? कौन सी दो चीजें इस वर्ल्ड का विनाश कर देंगी, इस दुनिया का विनाश कर देंगी? एंड द आंसर इज फायर एंड आइस। फायर means aag and ice means birth. Question 4. What is the prediction of the people about how the world will come to an end? Logon ki kya prediction hai, kya bhavishyavani hai ki is duniya ka ant kaise hoga? Answer is, some people say that the world will end in fire while some say in ice. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। किस चीज की आग? इच्छाओं की आग। जब लोगों के अंदर इतनी इच्छाएं हैं तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस दुनिया का विनाश भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी। आइस सिंबलाइज करती है हिट, यानी लोगों की एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उससे भी दुनिया समाप्त हो सकती है। Now we'll do the second stanza. I'm reading the second stanza first. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Questions are, first question, why does the poet feel that ice is also great for destruction? Poet ko aisa kyun lagta hai ki ice bhi destruction ke liye, vinash ke liye kafi hai, great hai? And the answer is, ice symbolizes hatred which is enough to destroy the world. Poet yahan par ye kehna chahta hai ki ice yani barf सिंबलाइज करती है हेट्रेड, नफरत। एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफरत करता है, उस नफरत से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। नफरत काफी है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा ऑफ द पोएम? इस पोएम की राइम स्कीम हमें बतानी है। नाउ व्हाट इज राइम स्कीम? Let me tell you. सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ट्वाइस, तो हम इसे मान लेते हैं, इस लाइन की राइमिंग स्कीम हम मान लेते हैं एक।
कम टू सेकेंड लाइन एंड द लास्ट वर्ड. सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है हेट. अब हेट की हम प्रोनंसिएशन चेक करते हैं, क्या वो ऊपर वाली लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करती है, सिमिलर है. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ट्वाइस एंड सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है हेट, जिनकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल मैच नहीं करती, उच्चारण एक सा नहीं है. तो हम सेकेंड लाइन की राइम स्कीम को नाम देंगे बी. नाउ वी कम टू द थर्ड लाइन एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज आइस. नाउ वी विल चेक आइस की प्रोनंसिएशन ऊपर वाली लाइन्स के लास्ट वर्ड्स के साथ मैच करती है. सो लेट्स सी, आइस ट्वाइस के साथ मैच कर रही है, राइट. यू कैन सी ट्वाइस आइस. तो सिमिलर साउंड है, सिमिलर प्रोनंसिएशन है, इसीलिए हम थर्ड लाइन को भी राइम स्कीम क्या देंगे, ए, क्योंकि फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम भी ए थी. तो अभी हमारी फर्स्ट थ्री लाइन्स की राइम स्कीम बन गई ए बी ए. नाउ कम टू द फोर्थ एंड द लास्ट वर्ड इज ग्रेट. हम फिर से चेक करेंगे राइम स्कीम को, तो ग्रेट वर्ड की प्रोनंसिएशन उच्चारण ऊपर वाली तीनों लाइन्स में से कौन से लास्ट वर्ड से मैच करती है या नहीं करती. सो लेट्स सी, सो ग्रेट मैचेस विद हेट. सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से हमारा ग्रेट वर्ड मैच करता है. अब सेकेंड लाइन को हमने राइम स्कीम दी है बी, तो अब फोर्थ लाइन को भी हम राइम स्कीम देंगे बी. फोर लाइन्स की राइम स्कीम बन गई ए बी ए बी. नाउ कम टू द फिफ्थ लाइन एंड वुड सफिस. अब सफिस वर्ड की प्रोनंसिएशन हम चेक करेंगे कौन सी लाइन के साथ मैच करती है. तो सफिस मैचेस विद ट्वाइस आइस. सफाइस भी हम इसे बोलते हैं. सो ट्वाइस आइस एंड सफाइस ये तीनों मैच कर गई, तो हम इसको राइम स्कीम देंगे ए. नाउ द राइम स्कीम ऑफ द होल स्टैंजा इज ए बी ए बी ए. ऑलराइट, सो द आंसर इज ए बी ए बी ए. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द पोएट थिंग्स आर गुड एनफ फॉर डिस्ट्रक्शन. ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इस पोइम में दो ही बातें की गई हैं कि ये जो दुनिया है ये या तो फायर के साथ ख़त्म हो जाएगा या आइस के साथ. तो फिर से पोइट पूछ रहा है कौन सी दो चीज़ें हैं जो पोइट को लगता है. इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था लोगों को क्या लगता है, अब हम पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं कि पोइट को क्या लगता है कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी हैं, विनाश के लिए काफ़ी हैं. सो द आंसर इज फायर एंड आइस, विच मीन्स हेट्रेड एंड डिज़ायर. फायर का मतलब है डिज़ायर एंड आइस का मतलब है हेट्रेड. तो ये दोनों ही चीज़ें एनफ हैं इस दुनिया का विनाश करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन. यू कैन सी फर्स्ट लाइन का थर्ड वर्ड है इट. तो पोइट्स वॉन्ट टू नो कि फर्स्ट इट का क्या मतलब है. एंड द आंसर इज इट हेयर स्टैंड्स फॉर द वर्ड. इट का मतलब वर्ड, वर्ड यानी दुनिया से है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट फ्रॉम नवोदय क्रांति परिवार.